الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون وقال الله تبارك وتعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها صدق اللہ العظیم اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا جس خالق و مالک نے زمین بنائی آسمان بنائے زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب نو پیدا کرنے والا سب نو سب دی تباہ دے مطابق رزق عطا کرنے والا
मेरा तुहाडा खालिको मालिक अकेला ही है, उसका कोई शरीक नहीं और रब वाहदहू ला शरीक है। दुरूद सलाम इमामुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, इमामुस सकलैन, इमामुल हरमैन, इमामुल किबलतैन, इमाम आज़म, मुर्शद आज़म, इमामुना फिल दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना, मेरे तुसां दे दिलां दी बहार सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते मुकद्दिसा मुतहरा आला वाला ते बेशुमार दुरूद व सलाम दियां बारशाहों। अजीज दोस्तों, बुजुर्गो भाइयो, पर्दे अंदर सिमात करने वाली मुअज्जजात मुकर्रमात इस्लामी रूहानी माओ बहनों, दो अल्लाह मालिकुल अल्लाम दे कुरान पाक अंदरों दो मुख्तलिफ मकामात तुसा हबाब दे सामने पढ़े। इन्हां मकामात दे अंदर अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इंसान नू आखरत दी फिक्र दिलाई। दुनिया अंदर बेशुमार मौजूआत मौजूद ने, लेकिन सब तो बड़ा वाज ए वे कि साढ़े दिलां अंदर आखरत दा फिक्र पैदा हो जाए। हर इंसान ने मरना है, हर इंसान ने दुनिया नू छोड़ के जाना है, सवाए रब तो हर इंसान नू मौत आनी है, फना ही फना है। इतनी बड़ी हकीकत, इतनी बड़ी सच्चाई, वो जितनी बड़ी सच्चाई है उतना ही इंसान इस सच्चाई तो लापरवाही इख्तियार कर रहा है। वो सच्चाई है मौत वाली कि मौत इंसान नू आके रहनी है, किसी भी इंसान ने मौत तो नहीं बचना। बड़े बड़े आए दुनिया अंदर जिंदगी गुजारी चले गए, उन्हां अंदरों अंबिया भी मौजूद ने, औलिया भी मौजूद ने, अतकिया भी मौजूद ने, आइमा मुहद्दिसीन भी मौजूद ने, और ता कयामत ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अल्लाह सुबहानहु व तआला दर हकीकत अपने कलामे इलाही दे अंदर ऐसे मकामात बयान इस वजह तो फरमाए ताकि मेरे बंदे मेरी जात तो डर के कल कयामत वाले दिन की तैयारी करन। दुनिया अंदर बाज ऐसे लोग ने कारोबार दे मामले अंदर खसारा आ जाए, घाटा आ जाए, नुकसान हो जाए, बंदे दे ज़हन अंदर एक के मैं नाकाम हो गया, कारोबार दी लैन अंदर नाकाम हो गया, हालांकि दुनिया दी नाकामी कोई नाकामी नहीं। कल कयामत वाले दिन महशर दा जो मैदान लग्या होना है ना, ए जरा तसव्वुर अपने ज़हन अंदर रखो। चूंकि आज दा मेरा मौजू है मैदान महशर में नाकाम लोग कौन ने, मैदान महशर के सब तो बड़ा जो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने मैदान कायम करना है, मिजान कायम करना है, अदलो इंसाफ का पैमाना लगाया जाएगा, उस वक्त वो बदनसीब जो अल्लाह के दरबार अंदर नाकाम हो जाएंगे, दर हकीकत सब तो बड़ी नाकामी आखरत की नाकामी है। ये दुआ करया करो अल्लाह सानू आखरत की शर्मिंदगी और नाकामी तो महफूज फरमा ले। और बहुत बड़ी नाकामी है, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अपने कुरान पाक अंदर अपने बंदियां नू आखरत और मैदान महशर दा मंजर भी बेशतर मकामात दे अंदर फरमाया। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत वाली जबान अंदरों अपने असहाब अपने उम्मतियां नू डराया कि उस दिन की तैयारी कर लो कि जिस दिन ना ते सिफारत चलेगी, जिस दिन ना कोई ओहदा मनसब चलेगा, ना पैसा चलेगा, बल्कि उस दिन अदलो इंसाफ दा तराजू कायम होना है, ते ओ ही बंदा कामयाब होएगा जिन्हें दुनिया अंदर अल्लाह और उनके रसूल की इत्तेबा करदे होया जिंदगी गुजारी है।
लेकिन अगर कुरान हदीस का मुताला किया जाए ऐसे लोग नजर आते हैं जेडे कयामत वाले दिन बड़े ही दर्दनाक किस्म के नाकाम हो जाएंगे और उन्होंने चेहरे स्याह हो जाएंगे। हजरात यार कभी असी संजीदगी सोचिए तो सही, दुनिया अंदर अगर मैं ते तुसी कारोबार की लाइन हो या कोई और लाइन होए इंसान नाकाम हो जाए, रिश्तेदार दोस्त यार और इसे तरह हमसाए हौसला देंदे ने, कई ऐसे सपोर्ट करते ने कि यार दिल छोटा नहीं करना, घबराना नहीं, लगे रहो, कोई तामन माली करेगा, कोई इस तरह और मशवरे देगा, इंसान बिल आखिर कामयाबी नाकामी तो कामयाबी पांदा पांदा कामयाबी की सीढ़ी से चढ़ जाता है। लेकिन यार मैशर का मैदान ऐसा है दोस्तों बुजुर्गों माओ बहनों, जिथे ना तो रिश्तेदार कम आने ने, ना यार बेली कम आने ने, जिथे ना कोई कम आएगा उथे कम इंसान तेरे जिंदगी दी मेहनत कम आनी है, चंगे कम कीते तेनू सत्ते ही खैरा ने, ते जे अगर असी लापरवाही वरतीए ते फिर उस दिन दी नाकामी तो कायनात दा कोई इंसान तेनू बचा नहीं सकेगा। और अल्लाह पाक ने ओ मैशर दा मंजर ना कुछ इस अंदाज नाल बयान फरमाया। पहले कुरान सुन लो, ए सूरा साजदा जो मैं पहले आयते पाक पढ़ी ना, इस दे अंदर अल्लाह पाक ने ओ मैशर दा मैदान मेरे तुहाडे सामने बयान करके दसिया है। तैयारी कर लिया जे, ये ना आखिया जे कि अल्लाह पता ही नहीं सी, असी बेखबर सा, ए ते गल ही कोई नहीं ना। कुरान अंदर हर चीज की खबर मौजूद है। कुरान ने दो रस्ते मुतय्यन किए ने, एक जन्नत वाला एक जहन्नम वाला। ये हुण मेरे तुहाडे इख्तियार अंदर है, असी जन्नत अंदर जाना चाहते हाँ या अल अयाज़ बिल्ला जहन्नम के रस्ते पैना चाहते हैं। अल्लाह पाक ने ना वह मैशर के मैदान का मंजर पहले बयान फरमाया है। मैं कुरान के अंदरों चंद ऐसी आयात पढ़ना चाहना जो सब तो पहले मैदान मैशर की सख्ती के बारे अल्लाह सुबहानहु व तआला अपने कुरान अंदर बयान कर रहे ने कि इतना सख्त वो दिन है, उस दिन नाकाम कौन होंगे ते कामयाब कौन होंगे। लेकिन मेरा चूंकि आज का मौजू है नाकाम होने वाले लोग, आया कि अगर साढ़े अंदर वह नक्स मौजूद है असी वह नक्स रफा करिए, दूर करिए और कामयाबी के रस्ते नूं पईए। सूरह सजदा और अल्लाह सुबहानहु व तआला अपने कुरान अंदर ऐलान फरमा रहे ने, मौला फरमांदे ने वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिना फरजना नामल सालियन इन्ना मुकिनो। पहला मकाम अल्लाह फरमाते ने तुसी कयामत वाले दिन मुजरमां नूं वेखोगे, यानी नाकाम लोग जेड़े फड़े जाणगे। अपने कुरान अंदर फरमा रहे ने नाकाम लोगों नूं तुसी कयामत वाले दिन वेखोगे, किस हालत अंदर वेखोगे। वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम, जेड़े मुजरम लोग ने अपने रब दियां अपने चेहरे झुकाए होणगे, इन्हां दियां नजरां झुकाइयां होणगियां शर्मिंदगी की वजह तो, नदामत की वजह तो, नाकामी की वजह तो, इन्हां दे चेहरे झुके होणगे ते की कहणगे, रब्बाना अबसरना वसमियना, अल्लाह अज असी सुन भी लिया है ते असी वेख भी लिया है कि तेरा अजाब बड़ा डाढ़ा है, रब्बाना अबसरना वसमियना फरजना नामल सालियन, अल्लाह असी वेख भी लिया है ते सुन भी लिया है बड़े डाढ़े अजाब अल्लाह मालिकुल अलाम देने, लेकिन अल्लाह साड़ी अरजे वे अल्लाह साड़ी रिक्वेस्ट गुजारशे वे फरजना नामल सालियन, अल्लाह सानू एक बारी दुनिया ते भेज दे ते असी नेक अमली करांगे, असी बुराई दे वल नहीं जावांगे, चंगे ही कम करांगे, रब्बाना अबसरना वसमियना फरजना नामल सालियन इन्ना मुकिनून।
कौन है। अल्लाह असी यकीन करन वालियां विच हो जावांगे, कुरान ते हदीस ते असी अमल करांगे। अल्लाह एक वारी दुनिया ते भेज दे, लेकिन अल्लाह दी तरफो ऐलान होएगा, मेरे बंदो मैं अपने कुरान हकीम अंदर दा छड़िया सी। जदों बंदा दुनिया तो फौत हो गया है, फिर वह बंदा वापस नहीं लुटाया जाएगा। हुण ते जजा ते सजा दा दिन है, हुण कोई भी वापस दुनिया के अंदर पलटेगा नहीं। कुरान का एक और मकाम है, अल्लाह फरमांदे ने अल्यौम नख्तिमु अला अफवाहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानु यक्सिबून। फरमाया कयामत का दिन होएगा, अल्यौम नख्तिमु अला अफवाहिम, मैं रब मुजरम जड़े लोग ने, मैं अर्श वाला अल्लाह मुजरम लोगां दे मुआं नू बंद कर देवांगा। इन्हां दे मुआं ते टेप लग जाएगी, कलाम नहीं करनगे, रौला नहीं पाणगे, मैनू छोड़े आ जाए, मेरे ते जुलम हो रहा है, क्योंकि जुलम ते खुद दुनिया अंदर अपनी जान ते करदा रहा। अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिम, अल्लाह फरमांदे ने मुंह इन्हां दे बंद हो जाणगे, कलाम नहीं कर सकणगे। वातो कल्ले मुना अईदीहिम, ते इन्हां दे हथ बोलणगे, जिन्हां हथां दे नाल इह जुलम करदा रहा, हथ कलाम करणगे। वतशहदु अरजुलुहुम, इन्हां दे पैर बोलणगे, अल्लाह हथां नूं कलाम, अल्लाह हथां नूं जबान दे देवेगा। ए पैर बोलणगे बंदे दे खिलाफ, ए हथ बोलणगे बंदे दे खिलाफ, ए गवाहियां बंदे दा वजूद, ए जिस वजूद दे वास्ते, जिस वजूद दे आराम वास्ते ए जुल्मो ज़ियातियां कर रहा है। अल्लाह फरमांदे ने वतु कल्लिमुना अईदी, इस बंदे दे हाथ इनके खिलाफ गवाही दे देंगे। वतशहदु अरजुलुहुम, इन्हां दे पैर इनके खिलाफ गवाही दे देंगे। बिमा कानु यक्सिबून, जेड़े ये जुलम करता रहा, जेड़े ये काम करता रहा, अंधेरे अंदर या उजाले दे अंदर, तनहाई अंदर या अवाम नाज दे सामने, दिन अंदर या रात दे अंदर, जो भी ये कम करता रहा है, बंदे दे हाथ ते पैर इनके खिलाफ गवाहियां दे देंगे। बंदा उते इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि रब्बुल आलमीन दी कुदरत दा कैमरा ही बड़ा तेज है। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये मैशर दा मैदान है ना, ते उस दा मंदर अल्लाह पाक अपने कुरान अंदर पहले दस रहे ने, ताकि बंदियां नू पता चल जाए कि वो दिन बड़ा डड है, उस दिन दी तैयारी कर लो। बल्कि अल्लाह ने कुरान पाक अंदर एक होर मकाम अंदर फरमाया है कि ए जड़ी जमीन है ना, जमीन, ए जमीन भी खबरां देगी। अल्लाह ए जमीन दे फलां टुकड़े ते तेरा बंदा आ पाप करदा रहा है, अल्लाह अकबर, जमीन गवाही देगी। मैनू ये दसो, दुनिया के अंदर जुलम करने वाले हो, ज्यादतियां करने वाले हो, बेहयाई दे अड्डे खोलन वाले हो, और मैनू पहले दसो ते सही, अल्लाह की जमीन के अंदर कोई ऐसा टुकड़ा दिखाओ जिथे तू लोगों तो छुप के गुनाह कर रहे हैं, अर्श वाला रब तेनू गुनाह कर दिया नहीं देखता। कोई है जो ऐसा टुकड़ा नहीं, तो फिर जालिम तू गुनाह क्यों करना, तेरा रब ते तेनू वेख रहा है। इंसान तो डरना है, अपने रब तो डरदा ही नहीं हो, रब तो डरदा नहीं हो। अल्लाह फरमांदे ने इस जमीन खबरां देवेगी, जमीन हजे भी इंसान कितना दिल दा पत्थर है, बंदा फिर भी नहीं डरदा। ए रब दा कुरान है, हर बंदे दा ए ईमान है कि अल्लाह दा कुरान बरहके, पैगंबर दा सोना फरमान बरहके, लेकिन कुरान दी हर हर बात बरहके। अल्लाह फरमांदे ने यौमा इज़िन तो हद्दिसो अखबार भी अन
अन्ना रब्बका अवाला। उस दिन मैदाने मैशर एडा सख्त दिन होएगा, मैदाने मैशर वाले दिन इस जमीन भी बंदे दे खिलाफ गवाइया देवेगी। अल्लाह सियालकोट दी फलां कोठड़ी दे अंदर, सियालकोट दे फलां इलाके दे अंदर, फलां कस्बे दे आद शहर दे अंदर, फलां जमीन दे टुकड़े दे अंदर, जिथे जिथे बंदा जुलम कर रहा है, ऐ जमीन बंदे दे खिलाफ गवाइया देगी। अल्लाह मैं गवाही दे रही हां, ए मेरी जमीन दे सीने ते फलां जगह ते ऐ जुलम करदा रहा है, फलां जगह ते ऐ गुनाह करदा रहा है, ऐ जिना करदा रहा है, फलां जगह ते ऐ ज़ियातियां करदा रहा ते प्रोपोगंडे करदा रहा है। या उमाइज़िन तो हदीस अखबार वा बे अन्न रब्बका औहाला। ए जमीन क्यों खबरां दे रही है? क्योंकि जमीन नु आर्डर अर्श वाले इलादा है, रब दा आर्डर है। सवाए इंसान तो अल्लाह दी नाफरमानी कौन करदा है? इंसान ही पत्थर दिल ते लापरवाह है, सब कुछ समझन दे बावजूद इंसान गफलत दी जिंदगी गुजार रहा है। बल्कि कुरान दा एक होर मकाम, अल्लाह ने वो मैशर दा मैदान ते मैशर दा मंजर दसिया है। अल्लाह पाक दी कसम इंसान हिल जांदा है। रब्बुल आलमीन ने वो मंजर बतलाया है सूरह हज दे अंदर। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहन नास तक्कु रब्बकुम इन ज़लज़लतस सआअति शयउन अज़ीम यौम तरौन تزحل كل مرضئة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد। अल्लाह फरमांदे ने सूरा हज दे इब्तदाई आयता ने एक दो तीन आयते पाक पढ़ के वेखो। फरमाया अय्युहन्नास तक्कु, ऐ लोगो अल्लाह पाक दी जात तो डर जाओ। या अय्युहन्नास तक्कु रब्बकुम, लोगो अल्लाह पाक दी जात तो डर जाओ। इन ज़लज़लतस सआअति शयउन अज़ीम, लोगो कयामत वाले दिन जड़े जलजले आने ने बहुत बड़ा जलजला है। एक कयामत वाले दिन दिया निशानियां ऐसियां ने के लोगां दे दिल ते जिगर ही फट जाएंगे। ऐसा सूर फूके आ जाएगा, कई बेहोश हो जाएंगे ते फिर फूके आ जाएगा, बंदियां दे कलेजे ही रेजा रेजा हो जाएंगे। इंसान तो किस गफलत दी नींद अंदर पे आए, अल्लाह दा कुरान तेनो कदम कदम ते डरा रहा है। फरमाया अय्युहन्नास तक्कु रब्बकुम इन ज़लज़लतस सआअति शयउन अज़ीम, कयामत दे दिन दा जलजला बहुत बड़ा है ते बहुत खतरनाक है। यौम तरउना तज़हल कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत। अल्लाह फरमांदे ने ओ दिन एडा सख्त होएगा जिन्ना औरतां दे जिन्ना औरतां ने दुध पिलाने वाले बच्चे उठाए होणगे। याद रखो जिस औरत दी गोद दे अंदर बच्चा होए ओ औरत नूं बच्चा बड़ा प्यारा लगदा है, उहदे नाल उल्फत ज़्यादा है, उहदे नाल मुहब्बत ज़्यादा है। लेकिन मैशर दा मैदान इन्ना सख्त होएगा, मेरी ओ माओ भैनो वीरो, फरमाया कुल्लु मुर्ज़िअतिन, अल्लाह फरमांदे ने यौम तरौना तज़हल कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, जिन्ना औरतां दी गोद दे अंदर दुध पींदे होए बच्चे होणगे ओ औरतां अपने बच्चे ही भुल जाणगियां।
औरतां अपने बच्चे गिरा देनगियां वाता दाओ कुल्लो जाती अमलिन अमलावा जिन्ना औरतां दे पेटा दे अंदर अमल होणगे ओह मैशर दा मैदान एडा सख्त होएगा ओ औरतां अपने अमल जमीन ते गिरा देनगियां इन्ना खतरनाक मैशर दा दिन होएगा सियालकोट वाले आया कि मैं ते तुसी डरदे क्यों नहीं ते तैयारियां क्यों नहीं करदे किस दिन दे इंतजार अंदर चलिया मैनू तुहानू ते जिंदगी दे इक पल दा नहीं पता लेकिन इस दे बावजूद मेरे तुहाडे दिलां दे अंदर डर ते खशियत पैदा नहीं होंदी वतदाउ कुल्लु जाति अमलिन अमलावा वतरन्ना ससुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद अल्लाह फरमांदे ने जिन्ना औरतां दे पेटां अंदर हमल होणगे हमल जमीन ते गिरा देणगियां हर बंदा मदहोश नजर आएगा हालांकि नशावर चीज कोई खादी पीती नहीं अल्लाह एक कादियां मदहोशियां ने फरमाया वाला किन्ना अज़ाब अल्लाह शदीद लोगो मैशर दे मैदान अंदर अल्लाह दा अज़ाब ते सख्ती ते कहर इन्ना होएगा कि बंदे नूं अपने होशो हवासी दा पता नहीं चलेगा अल्लाह अकबर कबीरा वीरो इन्ना सकदे ने इन्ना सकदे ने ओ पैना नूं छड़ दिता सकिया परावां ने छड़ दिता यार बेली दोस्त अशनावां ने सुट दिता जमदाई बचा जन दिया मावां ने पुत्तर नूं खबर कोई नहीं किथे गई मैया ए चिट्ठी आसमानो अहमद सरवर नो आईया कमाल दे अशार वाह शेखुल कुरान अल्लाह तेरी कबर मुनव्वर फरमा दे अल्लाहु अकबर कबीरा कोई नहीं जेवारो बनदा ए जिंद नुमानी दा मैशर दा मैदान कोई नहीं जेवारो बनदा जिंद नुमानी दा लगी ए प्यास कोटे मिलता नहीं पानी दा सामने इक हौज नजरी आया हकानी दा पर पता नहीं उसा की कौसर कीमत की लाइया चिट्ठी आसमानो अहमद सरवर नो आईया खोल के कन सुन ले मेरी ये पैनानी पढ़ ले कुरान जेकर मर्तबा तो लैनानी खोल के कन सुन ले मेरी ये पैनानी पढ़ ले कुरान जेकर मर्तबा तो लैनानी इस जहान अंदर सदा नहीं ओ रैनानी अज कल मौत शायद सर उत्ते आईया चिट्ठी आसमानो अहमद सरवर नो आईया और वीरो आखरत दियां फिकरां कर लै आखरत दियां फिकरां कर लै मौत ने ए नहीं वेखना कि ए बंदा जवान है मौत जवान नू भी आ जाएगी मौत ने ना बचपन वेखना है ना जवानी वेखनी है ना सेहत वेखनी है वरना है पिछले दिनों दे अंदर जमात दा नौजवान आलिमे दीन बहुत बड़ा शायर मौलाना अब्दुल कदीर शहीन रहमतुल्लाह अलैह परी जवानी दे अंदर मेरा तकरीब बन हम उम्रे बड़ा ही अच्छे अखलाक वाला है ते ए पिछले दिन अंदर वफात पा गया उन्हां दियां तेनी बेटियां ने एक आलमे दीन गया हुन ए जिगर दी बीमारी अंदर मुबतला हो गए ने जिगर दे कैंसर दे अंदर मुबतला हो गए कमजोर होंदे जा रहे ने कमजोर दिन ब दिन होंदे जा रहे ने एक आलमे दीन पहुंचे ते आंदे ने हजरत साहब तुसी बड़े ही परेशान हो तुहाडी सेहत बिगड़दी जा रही है टेंशन ले
लेंदे जा रहे हो। वाह मौलाना अब्दुल कदीर शहीद रहिमाउल्ला जिन्ना कोल दीन दा इलम होए और रब तो डरन वाले भी हुंदे ने। कुरान कह रहे है इन्नमा यक्षल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा अल्लाह तो डरन वाले होया करदे ने। ए रोन लग पै अखां विचों आंसू आ जांदे ने। परी जवानी है 30 साल दे करीब उम्र इस नौजवान दी है। रोंदिया रोंदिया आंदा हज़रत साहब मैनू रोना इस बात का नहीं आ रहा कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा वहां, मैनू इस बात का रोना नहीं कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा, बल्कि मैं तो इस फिक्र दे अंदर रोना वा कि मेरिया 3 बेटियां ने बेटा कोई नहीं, मेरे बगैर मेरिया बेटिया का की बनेगा। हजरात रिश्ता तो बड़ा हसास है, हल्ला के अल्लाह मालिकुल अलाम उन्होंने पालन वाला है, लेकिन बाप न औलाद की फिक्र तो होया करती है। हजरात ते गल जिमन दे अंदर आई है, मौत जवानी नहीं वेखदी, परी जवानी दे अंदर मौलाना अब्दुल कदीर शहीद रहिमाहुल्ला दुनिया छोड़ के चले गए। अज उन्हां दे असी बयानात सुनने आ, उन्हां दे अशआर ते सुनने आ, लेकिन ऐंदा असी उन्हां नूं वेख नहीं सकांगे। चल दूर ना जाओ इस मिंबर दे अंदर कदी ए वी ते तुसी वेखिया करदे सो मौलाना अमानुल्ला मुजाहिद रहिमाहुल्ला उन्हां दी खिताब सुनने वाले हो। ओ सियाल कोटी एक लंबा अरसा खिताबत दा सर अंजाम देने वाले इस स्टेज दे अंदर उन्हां दीआं यादां ते याद, उन्हां दीआं वफामां ते याद, उन्हां दा तकवा ते याद, उन्हां दा जुमा ते याद, इस तरह की कैप पा के जुमे का खुतबा देने वाले। और यारो गल्लां ही याद रह गईयां, लेकिन अज तो बाद अमानुल्ला मुजाहिद रहिमाउल्ला नजर नहीं आउणगे। ओ सोने ओ जे ओ नहीं रह ते मैं ते तुसा भी नहीं रहना, फिर क्यों नहीं असी कबर की तैयारी कर दे ते मैदाने मैशर की तैयारी कर दे। ये ते अल्लाह पाक ने डराया, लेकिन मैदाने मैशर वाले दिन नाकाम होने वाले कौन होणगे। ऐ सुनिया जे रब्बुल आलमीन दा कुरान है, अल्लाह फरमांदे ने सूरा अल हाका दे अंदर कयामत दा दिन होएगा, नेकियां ते बदियां तोलियां जाणगियां, फिर इस हिसाब दे नाल बंदियां नूं अमाल नामा उन्हां दे हत्थां अंदर दिता जाएगा। मेरे अल्लाह अपने कुरान अंदर फरमा रहे ने जिन्ना बदनसीब दे ऐ खब्बे हाथ दे अंदर नामा अमाल आ गया, वह बंदा नाकाम हो गया, वह बंदा फेल हो गया, सब तो बड़ी नाकामी पा गया। ते जिन्हों अल्लाह पाक सज्जे हाथ अंदर नामा अमाल नसीब फरमा देंगे वह कामयाबिया नू पा जाएगा। जेड़ा खब्बे हाथ अंदर नामा अमाल वेखेगा ते रब दा कुरान सुने जे मीरो अल्लाह दा कुरान फरमाया वा अम्मा मन ऊतिया किताब भी शिमाले फाया कोलो या लई तनी लम ऊता किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लई तवा काना तिल काजिया मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया खुजू बगुल्लू सुम्मल जही मसल्लो सुम्म फी सिलसिलतिन सर हुआ सब नजीरा अनफसलो को। अल्लाह फरमांदे ने ऐसे लोग जिन्ना दे नामा अमाल खब्बे हत्थ अंदर आ गया, अल्लाह सानू सारियां नू महफूज फरमा दे। अल्लाह जिन्ना नू सज्जे हत्थ अंदर नामा अमाल मिलना है, अल्लाह सानू सारियां नू उन्हां दी लिस्ट अंदर शामिल फरमा दे। फरमाया वा अम्मा मन ऊतिया किताब बिशिमाले वाया कोलो या लई तनी लम उत किताबिया ऐ जिदो खब्बे अंदर इनू नामा अमाल मिल जाएगा ते ए कहेगा ए काश लम उत किताबिया अल्लाह काश के मैनू ए नामा अमाल मिलदा ही ना, ऐ मैनू मिलदा ही ना। या लई तनी लम उत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया हाय काश मेरा हिसाब लिया ही ना जांदा। वलम अदरी मा हिसाबिया या लई तवा का न तिल काजिया एक ही कहेगा हाय मैं मर जांदा ते मट्टी नल मट्टी मिल जांदा, मैनू कबर तो उठाया ना जांदा ते अज मैं शर्मिंदा ना होंदा। और लोगो उस
उस वक्त की शर्मिंदगी दे, फिर पछतावे दा क्या कहना। दुनिया अंदर ते आवारा जिंदगी गुजार दे रहे, दुनिया अंदर ना कदी नमाज पढ़ी, दुनिया अंदर जुल्मो ज़ियाती करके हर चीज हर काम या पीता सीना ही दौलत बना नाले हो, अल्लाह दी बंदगी तो दून होने वाले हो, कदम कदम ते रब दी ना फरमानी करने वाले हो। ऐ कुरान डरांदा पिया है सियाल कोटियो, एक है गया लई तनी लम उत किताबिया वलम अदरी माई साबिया, या लई ता काना तिल काजिया, मैं उठदा ही ना मट्टी नाल मट्टी बन जांदा, ऐ बुरा नाम अमाल दिता ना जांदा। अल्लाह अकबर कबीरा वलम अदरी माई साबिया, या लई ता काना तिल काजिया, मागना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया, अज मैनू दुनिया दे माल ने बचाया ही कोई नहीं, मैं ते करोड़ां ते अरबां ते खरबां रुपए पैसा बैंक बैलेंस छोड़ के आया, लेकिन अल्लाह जब पता चले है मैदाने मैशर अंदर पैसा कम आउंदा, पैसा कम आना नहीं, हाँ हाँ वो पैसा कम आएगा जेड़ा चंगे रस्ते लग जाएगा, जेड़ा अल्लाह दे रस्ते लग जाएगा। हलक अन्नी सुल्तानिया, ऐ ओदा ते मनसब दुनिया दा मेरे कम ना आया, मैं दुनिया दे अंदर अपने ओदे ते बिल बोते ते मैं कम कर लेंदा सा, मेरा आर्डर चलदा सी, मेरिया सिफारशां चलदियां सी। हलक अन्नी सुल्तानिया, अज अल्लाह दी अदालत दे अंदर ओदा भी कम नहीं आ रहा, अल्लाह दी अदालत दे अंदर ऐ मेरा मनसब भी कम नहीं आ रहा। हलक अन्नी सुल्तानिया, अल्लाह दी तरफो ऐलान होएगा मेरे वीरो, काश के उतर जाए ऐ कुरान की बात मेरे तेरे दिल में। कुरान कह रहे हलक अन्नी सुल्तानिया, खुजू फगुल्लू सुम्मल जई मसल्लू, अल्लाह दी तरफो ऐलान होएगा खुजू फगुल्लू, ऐ चौधरी नू पकड़ लो, ऐ मुतकबर नू पकड़े आ जाए ते इनू जगड़े आ जाए। सुमल जई मसल्लू, इनू जहन्नम दे अंदर पुठा करके सुट दिता जाए। सुम फी सिलसिलतिन ज़रूहा सब नज़िरा अनफसल को, ऐ सत्तरात लंबिया जंजीरां दे नाल इनू जकड़ दिता जाएगा ते इनू पुठिया करके जहन्नम अंदर सुट दिता जाएगा। जड़ा दीन तो दू, ना कुरान दा फिकर, ना हदीस दा फिकर, ना नमाज दा फिकर, ना सिलो रहमी दा फिकर, ऐसा इंसान गाफल है कि जिन्हों पता ही नहीं कि अल्लाह ने मैनू किस मकसद वास्ते दुनिया अंदर भेजे है। सारी खलकत जमा होएगी, मेरा रब इंदा मुंह काला करके जहन्नम अंदर फेंक देगा। नकाम होने वाला बंदा नकाम होने वाला, जिन्हों खबे अंदर इनाम अमाल मिल जाएगा। अल्लाह मलिकुल अलाम दा कुरान है, एक होर नकाम बंदा जरा सुन ले आजे मेरे वीरों ते आनल। अल्लाह फरमांदे ने जड़े दुनिया दे अंदर मस्जिद अंदर ना आन वाले, सूरह कलम दे अंदर जरा गौर करे आजे, मैं देख रहा वां 90% बेनमाजी नजर आ रहे ने, जिन्हां नूं नमाज दा फिक्र नहीं, हालांकि इतना बड़ा जुर्म है नमाज ना पढ़ना। अल्लाह फरमा तेरे कयामत दा दिन होएगा, ए रब पिंडली तो कपड़ा हटा देंगे ते जेड़े अल्लाह वाले होंगे रब दे हुजूर सजदे पै जाएंगे। ए सजदे पै जान वाले कामयाब ने जेड़े अल्लाह दे हुजूर सजदे पै जाएंगे, लेकिन कई ऐसे बदनसीब होंगे। यौम युक्शफु अन साकिन व युदअउन इलस सुजूद फला यस्ततीउन खाशियतन अब सारुहुम तरहकुहुम जिल्ला वकद कानु युदअउन इलस सुजूद वहुम सालिमून। एउन कई ऐसे बदनसीब होणगे जिन्हां दियां कमरां तख्तां बन जाणगियां, ऐ कमर तो झुक सकणगे नहीं, सारी खलकत दे सामने नंगे हो जाणगे, सारी खलकत दे सामने रुसवाई ते जिल्लत इन्हां दा मुकद्दर बन जाएगी। हुण इह किहड़े बदनसीब ने जिहड़े अल्लाह दे हुजूर झुक नहीं रहे। अल्लाह अकबर कबीरा, रब फरमा रहे ने खासियतन अब सारुहुम तरहकुहुम जिल्ला, ए रिसवाई ते जिल्लत दी वजह तो इन्हां दे चेहरे झुके होणगे। और अल्लाह फरमा
लेकिन नमाज इना दुनिया अंदर पढ़ी कोई ना, मनमानिया करते रह, कई हफ्ते बाद जुमा ही पढ़िया है, कई ने एक पढ़ ली या दो पढ़ ली, पांच नमाजा दे पाबंदी कोई नहीं सा। जिस अल्लाह ने सब कुछ इंसान वास्ते बनाया, जमीन बनाई, आसमान बनाए, तरह तरह के लवाजमात ते मशरूबात बनाए, अल्लाह दी तरफो ऐलान होएगा, ओ लोगो अर्श वाला रब जुलम नहीं जे करदा। ए ओ लोग ने दुनिया दे अंदर मैं रब ने सेहत अता फरमाई, मैं रब ने फहम अता फरमाया, मैं रब ने बशारत अता फरमाई, मैं रब ने नू हिम्मत ते ताकत अता फरमाई, ए चौबी चौबी घंटे मेहनत ते मजदूरी करदा रहा है, लेकिन दस मिनट वास्ते अल्लाह दे घर नमाज नहीं सी पढ़दा। ये बेनमाजी लोग ने जड़े दुनिया अंदर नमाज नहीं सी पढ़ते, अल्लाह फरमांदे ने मैशर दा मैदान होएगा, बेनमाजी लोग बुरी तरह नाकाम हो जाएंगे। दुआ करो अल्लाह सानू साड़ियां औलादां नू नमाजी बना दे। बहुत बुरी तरह नाकाम होने वाले बेनमाजी, और आगे आओ अल्लाह दी अदालत मैदाने मैशर दे अंदर बुरी तरह नाकाम होने वाले कल कयामत वाले दिन मुतकब्बर भी नजर आएंगे, जड़े तकब्बुर करने वाले। अच्छा तकब्बुर जरा इंदी तारीफ भी सुन लो, कईयां दे नजदीक तकब्बुर इस चीज का नाम है कि बंदा अकड़ के चले, इंसान नू इंसान ना समझे, इंदे बोल अंदर तकब्बुर, इंदे चाल अंदर तकब्बुर, इंदे लिबास अंदर तकब्बुर, उठने बैठने अंदर तकब्बुर, तकब्बुर इस चीज का नाम है। भाईओ तकब्बुर इस नू नहीं कहा जाता। नबी पाक ने फरमाया अल किबरु बतरुल हक वगमतुन नास, तकब्बुर उस नू कहा जाता जिहड़ा बंदा कुरान हदीस नू ठुकरा देवे, हक नू ठुकरा रहे कुरान आके। क्यों जी हुण तो मौसम बड़ा प्यारा है, तुसी ठंडे हो गए, कुरान हक हदीस आके, ए कुरान हदीस नू ठुकरान वाला मुतकब्बर है। कुरान ने शिरक तो मना किया, शिरक कर रहा मुतकब्बर है। कुरान ने बिदत तो मना किया, बिदत कर रहा मुतकब्बर है। कुरान ने नमाज का हुक्म दिता है, बेनमाज है, मुतकब्बर इंसान है। कुरान ने सिला रहमी का हुक्म दिता है, ये सिला रहमी नहीं करता, ये इंसान तकब्बुर कर रहा है। कुरान ने झूठ बोलन तो मना किया है, ये गलत बयान नहीं कर रहा है, ये इंसान तकब्बुर कर रहा है। कुरान ने बेहयाई तो मना किया है, ये बेहयाई कर रहा है, ये तकब्बुर कर रहा है। तकब्बुर इस चीज का नाम है कि बंदा हक बात नु ठुकरा दे और लोगां नु हकीर समझे, इस दा नाम तकब्बुर है। ते मुतकब्बर लोग कयामत वाले दिन कितने जलील होंगे महशर वाले मैदान। जामिया तिर्मिज़ी दी रवायत, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत वाले दिन मुतकब्बर लोग चियूंटियां दी तरह, चियूंटियां कीड़ी जिन्हां नु पंजाबी अंदर कीड़ी कहा जाता, सब तो छोटी मखलूक, चियूंटियां दी तरह उठाए जाएंगे। अगली बात इन्हां दे चेहरे इंसानी शक्ल वाले होणगे ते धड़ कीड़ियां जिन्ना होएगा। आए हाय हाय अल्लाह मेरी तौबा। इस अंदाज नाल मुतकब्बर लोग उठाए जाणगे महशर वाले मैदान। हुण जदों इन्हां दी शक्लो सूरत लोग देखणगे ते लोग समझ जाणगे ते जालिम मुतकब्बर लोग ने। मुतकब्बर लोग, मेरे तुहाडे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुतकब्बर लोग चियूंटियां दी तरह उठाए जाणगे, इन्हां दीआं शक्लां ते इंसानी होणगीआं लेकिन इन्हां दा वजूद ते तड़ चियूंटियां दी तरह होएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, हर तरफ जिल्लत ते रुसवाई इन्हां ते छाई होएगी, ते जहन्नम दी सब तो बदतरीन जगह पौलस नामी जगह ते गिराया जाएगा। सहाबा कहंदे ने अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु सल्लम हर तरफ इंदे आगी छाई होएगी। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए बोलस नामी जगह के आए, आका फरमांदे ने ए ओ जहन्नम दी बदतरीन वादी है जिते जहन्नमियां दा गंदा खून ते पीप गिरदा है। ए जालिम मुतकब्बर लोग जहन्नम दी बदतरीन वादी अंदर गिराए जाणगे। मुतकब्बर लोग कयामत वाले दिन मैदाने महशर अंदर जलील होणगे। और आका अली सलाम फरमांदे ने हदीसे कुदसी अर्श वाला रब कह रहे अल किबरिया
उरदाई फमयुनाजिने अज़बतो। लोगो तकबर अर्श वाले रब दी चादर है, तकबर अल्लाह दी शयाने शान है, किसे इंसान दे वास्ते तकबर जायद नहीं। मेरे आका फरमांदे ने, रब फरमांदे ने, तकबर मेरी चादर है, जेड़ा मेरी चादर नू पकड़ेगा अल्लाह अजाब दे देवेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैदाने मैशर वाले दिन तकबर करने वाले जलील हो जाएंगे। एक होर जलील होने वाले पार्टी इधर ध्यान करे आज, जो साढ़े अंदर बीमारियां आ गई, बेजा सवाल करने वाले ऐ बेकारी हट्टे कट्टे जवान। तुसी देखो बाजारों के अंदर चंगियां भलियां जवान औरतां मंग रही ने, सवाल कर रही ने, जवान मंग रहे ने, सवाल कर रहे ने, आए दिन ये नाटक कर रहे ने मजूरी का, हालांकि मजूर कोई नहीं, ये मंगते फिरते ने, नजायज है, ये सवाल पे करते ने, हालांकि मेहनत मजदूरी कर सकते ने, कमा सकते ने, लेकिन नजायज सवाल कर रहे ने, बेकारी बन के जिंदगी गुजारन वाले। मेरे ताडे मुस्तफा ने फरमाया, उम्मत दे खैर खा पैगंबर ने फरमाया, आका फरमांदे ने, मा यज़ारुर रजुलो यसअलुन नास हत्ता यातिय यौमल कियामा। ऐसा बंदा जेड़ा हमेशा ही लोगों को सवाल करता रहता है, हालांकि एक कमा सकता है, नजायज सवाल कर रहा है, सवाल करके अपनी जिंदगी गुजारे। कयामत का दिन होएगा, मैसर का मैदान लगे होएगा, मेरे ताडे मनठार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्श वाले रब दी तरफ इन्हां ते अदाब की मुसल्लत होएगा, इन्हां दे चेहरिया ते गोशत की बोटी तक नहीं होएगी, इन्हां दे चेहरे ऐ सुक के ते ऐ इबरतनाक बन जाएंगे, लोगों नूं पता चल जाएगा, ऐ नकाम लोगों नूं धोखा देण वाले, लोगों नाल फराड करन वाले, ए औरत या मर्द या इसे तरह कोई दीनी मदरसे का बहाना बना के अपना पेट पालन वाले ते लोगों को सवाल करन वाले। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे तुहाडे मुस्तफा ने फरमाया, कायनात दे गमखार पैगंबर ने फरमाया, कयामत दे दिन उठाए जाणगे, इन्हां दे चेहरियां ते गोशत दी बोटी तक नजर नहीं आए, जलीलो खार हो जाएंगे। लोगो अपने अंदर खुददारी पैदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये भी नाकाम हो जाएंगे। और हदीसे पाक अंदर मौजूद सब तो बड़ा नाकाम है, सुने अज मुस्लिम पाक की रवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, आका फरमाते ने, मेरे सहाबा अतदरून मल मुफलिस, मेरे सहाबा भला तुहानू पता है मुफलिस किसन कहा जाता है? सहाबा कहते ने, सुने कालू अल मुफलिस सुफीना मल्ला दिरो हमलो वला मता। आका साडे नजदीक ते मुफलस ओनू कहा जांदा है जिंदे कोल दिरमो दिनार नहीं, जेड़ा माड़ा गरीब है ओही मुफलस है। मेरे आका फरमांदे ने, ए मुफलस नहीं बल्कि मुफलस होए कल कयामत वाले दिन, याती यौमल कियामा, कयामत वाले दिन आएगा, नमाजा लैके आएगा, रोजे लैके आएगा, हज उमरे लैके आएगा, सिला रहमिया लैके आएगा, तहज्जुद लेके आएगा। ओ सोनिया सुनिया जे सौ हथ रस्सा ते गंढ सिरे ते सियाल कोट वालिया, ऐदरा हदीस अपने दिन अंदर बैठा लै। मेरे तुहाडे मुस्तफा ने फरमाया, कयामत वाले दिन आएगा, होएगा भी पैगंबर दा उम्मती, निमाजी भी होएगा, रोजेदार भी होएगा, हज उमरा करन वाला होएगा, शिला रहमिया करन वाला होएगा, और दीगर नेक अमाल करन वाला होएगा। इन्ने नेकियां ते बड़ियां कीतियां ने, नेकियां दे अंबार लगे ने, कयामत का दिन होएगा जो इंदा हिसाब होएगा, इधरों मजलूम आ जाएंगे, आखणगे अल्लाह जी इंदा हिसाब लैन तो पहले इन्हें दुनिया के अंदर फलां फलां जगह ते मैनू बेइज्जत किया सी, पढ़दा नमाजा सी, है ते हाजी सी, बड़ा सदका खरात करने वाला, लेकिन इन्हें मैनू बेइज्जत किया। अल्लाह मालिकुल अलाम ए मजलूम नू सालम दिया नेकियां मजलूम दे खाते पा देवेगा, फिर इंदा हिसाब लिया जाएगा। इधरों एक होर टोला आ जाएगा, आखेगा अल्लाह इते ओ बंदा सियालकोट वाला, इन्ने मेरी जमीन ते नजायज कब्जा कीता, अल्लाह मैं माड़ा सा, मैं मुकाबला ना कर सकया, लेकिन इन्हें जुलम करके मेरी जमीन ते कब्जा कीता। अल्लाह मलिकुल अल्लाह हुण मजलूम नू नेकियां दे रहा है, ऐ जरा जालम है नमाजा ते पढ़ियां ने, है भी नबी दा गुलाम है, मजलूम नू नेकियां मिल रही ने, फिर इंदा हिसाब लिया जाएगा। इधर होर एक गुरु आ जाएगा, आखेगा अल्लाह
इंदा हिसाब अजे नहीं लेना। यो बंदा है जिन्हें मैं फला फला मौका दे मैनू गालियां कड़िया मैनू मारिया ते मेरे ते तशद्दुद कीता। अल्लाह ए ओ जालम बंदा है ना इन्हें मेरे को माफी मंगी ते ना मैं इन्हू माफ किया। ये तकब्बुर दे अंदर ही जिंदगी गुजारदा रहा नमाजा पढ़ के अपने आप नू तीस मार खा समझदा रहा मैं नमाजी बन गया ते हुण जन्नत दा टिकट मेरी जेब अंदर है। ये जुलम करन वाला है हकूकुल इबाद सलब करन वाला है हुण मजलूम आई जा रहे ने इंदियां नेकियां मजलूमां नू मिलदियां जा रही ने बिल आखर इंदियां नेकियां खत्म हो जांदियां ने। हिसाब लैण वाले बाकी नमाजा वाला अमल खत्म हो गया अज उमरा सिला रहमिया ते रोजे दा सवाब खत्म हो गया। ऐ मजलूम इंदियां नेकियां लै गए ने इंदे नामा अमाल खाली हो गया है नेकी ते नजर कोई नहीं आ रही। लेकिन हुण बदला लैण वाले और भी ज्यादा जो साडा ए तौर तरीका है असी ना जबान इस्तेमाल करने आ सोच समझ के जबान तो भी दुख दे रहे हैं हत्थां तो भी दुख दे रहे हैं साडे तो साडे हमसाए तक असी जुलम करन वाले ज्यादतियां करन वाले गाली गलोच निकालन वाले इस नूं मामूली गुनाह समझने आ। मुस्लिम पाक दे अंदर मेरे आका फरमांदे ने हिसाब लैण वाले और भी ने मजलूम और भी ज्यादा लेकिन यह जड़ा जालम दियां नेकियां खत्म हो गई ने रब दी तरफो ऐलान होएगा हुण ये जड़े मजलूम ने सुने जे मेरे वीरो ऐ जड़े मजलूम ने ये मजलूमा दे गुनाह इस जालम दे खाते पा दिते जान नेकियां ते मुक गई ने हुण जरा सुने जे ध्यान सारी जिंदगी दियां मेहनत सारी जिंदगी दियां नमाजा सारी जिंदगी दा सिला रहमी ते नेक अमल लोकी लै गए और लै गए इंदियां नेकियां ते मेहनत ते अल्लाह दी तरफो ऐलान होएगा सुम्मा तुरी अविनार सुम्मा तुरी अविनार अल्लाह दी तरफो ऐलान होएगा। मेरे आका फरमांदे ने फरिश्तियां नू किया जाएगा ओ मेरे फरिश्तियो इंदियां नेकियां खत्म हो गईयां गुनाहां दे अंबार लैके लोकां दे भी गुनाह लैके अपनियां लेकियां मजलूम नू दे के ते पुठा करके जहन्नम च सुट दिता जाएगा। जुल्म करन वाला छोटियां छोटियां बातां ते जुल्म करन वाला मेरे दोस्तों कयामत वाले दिन ये भी रुसवा हो जाएगा ये भी रुसवा हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन याद रखो मेरे वीरो अगर कयामत वाले दिन मैशर दे मैदान दी सख्ती तो बचना चाहते हो ये अपना मुहासबा कर लो जुल्म तो बचना पेगा ज़ियादती तो बचना पेगा हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना पवेगा बेनमाजी अगर कोई है तो तैयब हो जाए नमाजी बनना पवेगा। अल्लाह मालिकुल अलाम फिर मैशर मैदान होंदे वास्ते आसान कर देवेगा वरना बुखारी पाक दी रवायत आका फरमांदे ने कान मिकदारो खमसीना अल्फ सना ओ मेरे सहाबा मैशर दे मैदान दा एक दिन आम दिना दी तरह बारह घंटिया दा दिन नहीं जो ना मेरे तुहाडे मुस्तफा ने फरमाया मैशर दा एक दिन पंजा हजार साल दे बराबर होना एक दिन पंजाह हजार साल के बराबर ते कदी असी सोचिए एडे लंबे चौड़े दिन दियां तैयारियां किन्नियां को वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसु रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजअना नामल सालिहीन इन्ना मुकिनून। लोग उस दिन की शर्मिंदगी तो बचना चाहते हो फिर आ जाओ पैगंबरे कायनात की इत्तेबा वल पैगंबरे कायनात ने जो दीन दिता है आप अली सलाम ने जो तरीका दिता है उस ते आ जाओ। मुहम्मद नू छड़े आवा गुजारा नहीं होना वायस्तानी शहीद रहमतुल्ला अलैह जुमलिया दे अंदर अकीदा ही बयान कर दिता है। मुहम्मद नू छड़े आवा गुजारा नहीं होना कोई पीर तेरा सहारा नहीं होना महशर दे दिन जदों तुपने सताना कोई पीर तेरा ओ कम नहीं ओ आउना दरबान जन्नत ने कुंडा नी लाउना दरबान जन्नत ओ कुंडा नी लाउना जब तक मुहम्मदी इशारा नी होना मुहम्मद
मुहम्मद नु छड़ेआ गुजारा नहीं होना, कोई पीर तेरा सहारा नहीं होना। कम आना ते आमीना दा लाल सल्लल्लाह सल्लम कम आना है, ते मेरे हुजूर भी उन्हां दी सिफारिश करनगे कि जिन्हां दे कम चंगे होए, अकीदा अच्छा होया, किताबो सुन्नत दे मुताबक होया। इसे वास्ते दोस्तों बहुत बड़ी रिसवाई तो बच जाइए, अपना मुहासिबा करिए, नेक अमाल करिए, सीधे रस्ते आ जाइए। ओ भाई ओ मुसीबतां नाल दिल लगा लो, जिंदगी दे कपल दा नहीं जे पता, नमाज नहीं छोड़नी अपनी जिंदगी दी अंदर जब तक होशो हवास कायम है। जुल्मो ज्यादती तो बचना है, हकूकुल इबाद दा ख्याल रखना है, ये बड़ा अहम मसला है। अल्लाह मैनू तुहानू अमल दी तौफीक दे। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।